अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नज़र किचन। आज हम बना रहे हैं खीर। खीर वैसे भी डिफरेंट तरीके की होती हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से बनती हैं, लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ वो सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरे घर में जो है वो दावत है, तो इसकी वजह से मैं सिंपल तरीके से जो है अपनी खीर बना रही हूँ। और मैंने जो है वो 2 लीटर मिल्क मैं ले चुकी हूँ। मैं यहाँ वाटर वाला मिल्क मैंने यूज़ किया है, मेरा फुल क्रीम मिल्क है, वाटर वाला का मैंने यूज़ किया है। आप ना दूध ले सकते हैं और कोई और भी ये समथिंग जो आपको भाई बेस्ट लगता है आप वो ले सकते हैं। मेरा फुल क्रीम मिल्क दिया है क्योंकि खीर में जो है वो दाना मिल्क की फुल क्रीम मिल्क की जो है वो खीर बहुत अच्छी बनती है। और अब मैंने जो अपना मिल्क है उसको मैं यहाँ उसको हल्के हल्के में पकाऊँगी, बिकॉज मैं पकाऊँगी वो थोड़ा सा काला हो जाए। और आप देख सकते हैं कि मेरा मिल्क जो है वो अच्छे से पक रहा है। और मैं इसमें चमचा जो है वो हिलाती रहूँगी, क्योंकि चमचे हिलाने से मेरा मिल्क उबलने के बाहर नहीं गिरेगा, इसलिए मैं हल्के हल्के उसमें चमचा जो है हल्के हाथ से हिलाती रहूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरा मिल्क अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुका है। मैं स्लो हाथ से जो है वो अपने मिल्क को स्पून से हिला रही हूँ। अब मैंने अपने मिल्क को थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया है कि वो अच्छे से जो है वो पक जाए, लेकिन ध्यान रखेगा कि आपका मिल्क उबल के गिर ना जाए, इसलिए उसको मैंने भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया कि मैं मेरा मिल्क जो है वो अच्छे से पकने लगे। अब मैं इसमें 1.5 जो है वो मैं इसमें शुगर चीनी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज कुछ लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो वो तेज़ मीठा पसंद करते हैं और कुछ को हल्का, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मीठा इतना हो कि आप को लगे कि आप मीठा खा रहे हैं, इसलिए मैं अपने मीठे में कम मिठाई रखती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ। अब मैंने चीनी डाल दी है और अब मैं उसको हिला रही हूँ अच्छे से चीनी को, कि मेरी चीनी और मिल्क अच्छे से जो है वो एक दूसरे में मिल जाए, मतलब मेरी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और मैं इसमें हल्का हल्का चमचा हिलाती रहूँगी। आप देख रहे हैं कि मेरा मिल्क हल्का हल्का जो है वो क्रीमी फॉर्म में आ रहा है, ऊपर उसके छाप आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें जो है मैंने इलायची के जो है वो 3 जो है वो स्पून लिए हैं, 3 जो है मैंने टी स्पून लिए हैं, और 1.5 मैंने जो है इसमें चावल लिया है, और ये मेरे जो है क्रश जो है वो मेरे कोकोनट मैं जो इसमें डाल रही हूँ, कोपरा डाल रही हूँ मैं इसमें। अब मैं अच्छे से अपने चावल और अपनी जो है इलायची और खोपरे को अच्छे से मैं मिलाऊंगी और मैं उसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि मैंने चावल जो है वो ब्लेंड नहीं किया है। आप ब्लेंड करके भी चावल डाल सकते हैं। अब मैं अपनी खीर को अच्छे से
पकाऊंगी। क्या आप देख सकते हैं कि मेरी खीर पकना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मेरा चावल अच्छे से पक के इसमें मैश हो जाए, तो इसलिए अब मैं उसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। आप देख सकते हैं कि मेरी खीर जो है वो अच्छे से पक रही है। अब मैं जो इसमें जो है मैंने चॉप किए हुए जो है वो मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे, अब मैं इसमें जो है ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है मैं डाल दूंगी, क्योंकि खीर विदाउट ड्राई फ्रूट इनकम्प्लीट है। और मैं अब इसको अच्छे से कुक करूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी, बिकॉज जो है मैं अपने चावल को अच्छे से इसमें घोट दूँगी, क्योंकि मेरे चावल अच्छे से घुट जाएँ इसके अंदर। आप हैंड ब्लेंडर या ब्लेंडर डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपना हैंड ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं अपने चमचे की मदद से जो है अपने चावल को जो है मैं हिला हिला के जो है मैं अपने चावल को घोट लूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरी जो चावल है वो अच्छे से घुट गए हैं, और मेरी जो खीर है वो अच्छी सी बिल्कुल गाढ़ी सी जो है बिल्कुल जो है तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं अपनी खीर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरी खीर जो है वो पक चुकी है। अब मैं उसको लास्ट जो है वो अच्छे से उसको पका रही हूँ अपना तेज़ आँच पे, कि मेरी खीर जो है वो गाढ़ी हो जाए। अब मैं जो है वो अपना स्टोव जो है मैं बंद कर लूँगी, क्योंकि मेरी खीर रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में शेयर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने अपनी खीर जो है वो सर्विंग बाउल में निकाल ली है, और उसको मैंने सर्व किया है और गार्निश कर दिया है आलमंड से, एंड कुछ सैफ्रन स्टाइल ऊपर से मैंने क्रश करके डाल दिए हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।